आपने कभी न कभी ठहरे हुए पानी में कंकर जरूर फेंका होगा, जिसके बाद वहां एक लहरों की श्रृंखला शुरू होती है जो लगातार अपने आकार में वृद्धि करती हुई तट से टकराकर नष्ट हो जाती है। यदि हम प्रत्येक लहर को ब्रह्मांड, हमारे सोलर सिस्टम, पृथ्वी और पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन जैसी मुख्य घटनाओं से जोड़कर देखें तो प्रत्येक घटना में एक क्रम नजर आता है, यानी पहले बिग बैंग, उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का ठंडा होना, फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ग्रहों का बनना, सूर्य का जन्म, खगोलीय घटनाएं, पृथ्वी पर वायुमंडल और पानी का ठहराव, और फिर जीवन की अंतहीन श्रृंखला की शुरुआत। और इसी तरह ये प्रत्येक लहर या प्रत्येक घटना लगातार आगे बढ़कर निरंतर नित नए परिवर्तनों के साथ नए बदलाव कर रही है। ऐसी ही किसी लहर पर सवार पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन का क्रम विकास है। और ये क्रम विकास या इस ब्रह्मांड में होते ये परिवर्तन कब तक जारी रहेंगे कोई नहीं जानता। शायद जब तक, तब तक कि ये लहरें समय के आखिरी छोर से टकराकर नष्ट न हो जाए। परंतु सवाल यह नहीं है, बल्कि यह है कि स्पेस एंड टाइम में सबसे पहला कंकर मारने वाला कौन था, यानी किसने शुरुआत की इन लहरों की या उन घटनाओं की जिसने इस ब्रह्मांड से लेकर हमारे जीवन की नींव रखी। यानी वह पहली चेतना कौन थी जिसने समय के बहाव में बदलाव कर अंतहीन श्रृंखला के जन्म की शुरुआत की। समय एक बहुत ही पेचीदा विषय है जिसकी परिभाषा इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक परिणाम के लिए अलग है, यानी कि प्रत्येक परिणाम समय को उसी रूप में देखता है जितनी उस परिणाम के लिए समय की गति है। जैसे यदि आपकी समय की गति एक है तो केवल आप उन्हीं परिणामों का ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे जिनकी समय की गति एक हो, और कुछ विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक और एक से कम गति लिए परिणामों का ऑब्जर्वेशन भी। यही समय का प्रभाव या गति प्रत्येक परिणाम के अस्तित्व और उसके जीवन में होते निरंतर बदलावों के लिए भी जिम्मेदार है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 28 वर्ष का है और उसका जन्मदिन 1 अगस्त को आता है, तो यदि उस व्यक्ति के लिए रात 11:59:59 पर वक्त रुक जाए तो क्या वह व्यक्ति कभी भी 29 वर्ष का हो पाएगा, भले ही यह फासला 1 सेकंड का क्यों ना रहा हो। वक्त के प्रभाव के बिना वह कभी भी 29 वर्ष का नहीं हो पाएगा, और इसके साथ साथ उसकी चेतना, यादें, कर्म सब कुछ थम जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी परिणाम को पूरा करने वाली ऊर्जा में बहाव वक्त की गति दिखाती है। जब तक यह बहाव है उस परिणाम के अस्तित्व, जीवन की घटनाओं, कर्मों और चेतना का परिवर्तन भी संभव है, और यदि हम इस बहाव को रोक दें तो वक्त का प्रभाव भी रुक जाएगा, और रह जाएगी तो बस वह ऊर्जा जिसमें अब कोई भी परिवर्तन संभव नहीं, यानी एटर्निटी। ऊर्जा के इसी स्वरूप को धर्मों में ईश्वर का नाम दिया है, यानी कभी समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी, यहां तक कि हमारे अस्तित्व की रचना करने वाली ऊर्जा में कोई बहाव नहीं था, या अन्य शब्दों में कहें तो ऊर्जा में बहता समय अपनी सर्वोच्च गति पर था जिसमें कोई बदलाव संभव नहीं, ठीक एक शांत पानी की तरह। लेकिन एक बिंदु पर इस ऊर्जा के किसी कोने में हलचल हुई, ठीक शांत पानी में एक पत्थर से पैदा हुई हलचल। इसी हलचल ने उस ऊर्जा में बहते समय के बहाव में परिवर्तन पैदा किया, ठीक पत्थर से उठी लहरों की तरह। यह बहाव दरअसल समय की वह शुरुआत थी जिसने आगे चल के ऊर्जा में नए बदलावों को पैदा करके कई विभिन्न घटनाओं से नए परिणामों को जन्म दिया, जिसमें पृथ्वी पर हुआ जीवन का क्रम विकास भी शामिल है। ऊर्जा और समय के बीच इस ताने बाने को आप एक कमरे में दो आयनों के बीच में खड़ा होकर समझ सकते हैं, जहां आपको प्रत्येक आयने में अपना प्रतिबिंब अनंत तक बनता नजर आएगा। परंतु यदि हम उस कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दें तो बेशक आप अब भी वहां मौजूद होंगे, परंतु अब आपको ना तो वह आईने नजर आएंगे और ना ही उनमें बनता अनंत प्रतिबिंब। तो यहां लाइट है समय के बहाव में परिवर्तन, आप हैं ऊर्जा, और आईने हैं भौतिक संसार जिसमें प्रत्येक परिणाम समय के प्रभाव में बहता हुआ अपने अनुसार अपना प्रतिबिंब देखता है।
पहली चेतना और समय के शुरुआती बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें इस लाइट के स्विच को ऑन करने वाले को खोजना होगा, और इसके लिए हमें जाना होगा प्रत्येक परिणाम के स्वरूप को पूरा करने वाली ऊर्जा के सबसे अंतिम बिंदु पर, जहां मौजूद हैं खरबों 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 सूक्ष्म एनर्जी पार्टिकल्स जिन्हें सेल्स कहते हैं। प्रत्येक सेल में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा एक खास गति पर बहती है, जिसे उस सेल की इंटेंसिटी कहते हैं। यही इंटेंसिटी प्रत्येक सेल के लिए उसकी टाइम स्पीड यानी समय में एक खास गति तय करती है। जब कोई समान प्रकृति के सेल आपस में जुड़ते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन का जन्म होता है, और इस तरह एक इन्फॉर्मेशन का दूसरी इन्फॉर्मेशन के जुड़ने से एक परिणाम का जन्म होता है। यानी कि प्रत्येक परिणाम के अस्तित्व के पीछे कई लाखों इन्फॉर्मेशन और उनमें मौजूद करोड़ों सेल्स होते हैं, जिनमें बहती ऊर्जा की इंटेंसिटी समायोजित होती हुई अपने परिणाम के लिए एक निश्चित समय की गति तय करती है, जिस पर वह अपनी चेतना से अपने जीवन को महसूस करता है। ऊर्जा के इसी चक्र यानी सेल्स का जुड़कर इन्फॉर्मेशन का निर्माण, और इन्फॉर्मेशन के जुड़ने से किसी परिणाम के निर्माण में ही हमारे सवाल का जवाब भी छुपा है। हम चेतना और उससे जुड़े जीवन को बहुत ही नैरो स्टेज पर ही देखते हैं, यानी कि हम चेतना को उन्हीं परिणामों से जोड़कर देखते हैं जो हमारे अनुसार अपने परिदृश्य को समझने के काबिल हों, यानी कि जो देख सकें, डिसीजन ले सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, आव भावों को व्यक्त कर सकें वगैरह, जो कि एक पेड़ या किसी ग्रह में नहीं। परंतु क्या चेतना केवल देखने, सुनने, डिसीजन लेने, महसूस करने इत्यादि तक ही सीमित है? क्योंकि हमारी थ्योरी हमें दिखाती है कि किसी परिणाम में इन्फॉर्मेशन के रूप में बहती ऊर्जा उसे उसके साधन को पहचानने की काबिलियत देती है, जिससे वह उसका अपने हित में उपयोग तथा उपभोग कर खुद में निरंतर परिवर्तन कर पाए। अब चाहे यह आप हो, कोई जीव हो, पेड़ हो, या इस ब्रह्मांड में मौजूद कोई अन्य परिणाम, यदि किसी दूसरे परिणाम का अपने हित में उपयोग तथा उपभोग कर रहा है तो बेशक वह जीवित है, और यदि जीवित है तो उसमें चेतना भी है जो उसे उसके अनुसार उसके साधन को पहचानने की काबिलियत देती है। अब हम इसी तथ्य को ऊर्जा के सबसे छोटे स्तर पर ले जाकर एक सेल पर लागू करके देखते हैं कि एक सेल कैसे खरबों सेल्स में से उस सेल को खोज लेता है जिससे जुड़कर वह एक इन्फॉर्मेशन को पूरा कर पाए, और फिर कैसे यही इन्फॉर्मेशन अरबों इन्फॉर्मेशन में से उस इन्फॉर्मेशन को खोज पाती है जो एक सटीक परिणाम की रचना कर पाए। क्या एक सेल में भी चेतना है? क्या उसमें भी अपने परिदृश्य को अपने अनुसार समझने की काबिलियत मौजूद रहती है? इसके जवाब के लिए हमें एक सेल के अंदर बहती उस ऊर्जा के स्ट्रक्चर को देखना होगा जो उसे अपने ऐच्छिक दूसरे सेल को पहचानने की काबिलियत देती है। सेल के अंदर यह एनर्जी थ्रेड कहलाती है, और इस थ्रेड के चारों ओर यह सर्कल उस थ्रेड के लिए समय की गति है। इसे थ्रेड्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ टाइम कहते हैं, जहां से समय इस थ्रेड से गुजरकर एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर बहता है, और यही बहाव उस ऊर्जा के नन्हे पार्टिकल को समय में एक गति देता है, यानी सेल की इंटेंसिटी, जिस पर वह उन दूसरे सेल्स का ऑब्जर्वेशन करने के काबिल हो पाएगा जिनकी गति उससे मिलती हो। सेल के अंदर समय का यह बहाव उस थ्रेड के लिए कॉज कहलाता है, जो प्रत्येक सेल की गति के अनुसार अलग अलग होता है। यह कॉज दर्शाता है कि उसे किस ओर बढ़ना है या किन सेल्स की तलाश करनी है नए क्रिएशंस के लिए, और इसके लिए यानी अपने कॉज को पूरा करने के लिए प्रत्येक सेल के पास एक खास विशेषता होती है, और वो है खुद में बहते समय की गति में परिवर्तन कर पाने की क्षमता। और ये विशेषता उन्हें किस तरह अपने कॉज को पूरा करने में मदद करती है, इसे एक आसान से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यह एक ईंट है, और इसका कॉज है कि इसे अन्य ऐसी ही ईंटों के साथ मिलकर एक 10 फीट की दीवार बनानी है। इसी के बगल में एक दूसरी ईंट है जिसका कॉज है एक कुएं को तैयार करना, परंतु दोनों के एक जैसे रूप होने के कारण हो सकता है कि दोनों को या तो दीवार में चिन दिया जाए या कुएं में जड़ दिया जाए। लेकिन क्या हो यदि एक दूसरे की मौजूदगी में अपने अपने कॉजेस की रक्षा हेतु ये ईंटें
एक दूसरे के लिए एक जैसी ईंटों के रूप में ना होकर अलग अलग परिणामों के रूप में मौजूद हों, जिससे दोनों को ही यह लगे कि सामने रखी चीज उसके काम की नहीं, जब तक कि वे एक दूसरे के रास्ते से हट ना जाए। यही तथ्य एक सेल पर भी लागू है। टाइम फील्ड में प्रत्येक सेल उन सेल से दूरी बना के रखते हैं जो उनके उद्देश्य या कॉज को प्रभावित करें, यानी कि वे खुद में बहते समय की गति में बदलाव कर अपना रूप बदल सकते हैं, क्लोन तैयार कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं इत्यादि, जैसा हमें क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है, जो दर्शाता है कि एक सेल अपनी टाइम स्पीड के अनुसार उन सेल्स का ऑब्जर्वेशन करने के काबिल होता है जो उसके कॉज के अगली कड़ी के रूप में जुड़कर एक इंफॉर्मेशन के निर्माण में सहायक होंगे, और साथ ही उन सेल्स को अवॉइड भी करने के काबिल होता है जो उसके कॉज को प्रभावित करते हों। यानी कि ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई एक सेल अपनी गति के अनुसार अपने कॉज को पहचान कर टाइम फील्ड में कई दूसरे सेल्स का ऑब्जर्वेशन कर यह डिसीजन ले सकता है कि उसे किसे अवॉइड करना है और किसे पाना है नए क्रिएशंस के लिए, और यही विशेषता उसे कॉन्शियस भी बनाती है। यानी उसका कॉज उसे वह चेतना देता है जिससे वह जान सके कि उसे क्या करना है। तो किसी समय जब एटर्निटी यानी समय की सर्वोच्च गति में कोई बदलाव मुमकिन नहीं था, ना ये ब्रह्मांड था, ना आयाम थे, ना पृथ्वी थी, ना जीवन था, तब किसी पल एटर्निटी के एक थ्रेड में बहते समय के बहाव में बाधा पैदा हुई। यह बाधा एक नए कॉज की शुरुआत थी, एक नई चेतना की, उस सबसे पहली चेतना की जिसने इस पत्थर की तरह काम किया, जिसने फिर उससे जुड़े बाकी थ्रेड्स में समय के बहाव में बाधा पैदा की, और फिर इससे नए कॉजेस जन्म लेने लगे, ठीक पत्थर के बाद उठती एक के बाद एक लहरों की तरह, और फिर नए क्रिएशंस का सफर चल निकला। यानी वह पहला कॉज, वह पहली चेतना थी जिसने पत्थर की तरह शांत सर्वोच्च गति पर बहते एटर्निटी में हलचल पैदा की। लेकिन यहां सबसे अहम सवाल यह उठता है कि पत्थर या पहला कॉज आया कहां से? जब सब कुछ अपनी चरम सीमा पर था तो नई इच्छा का जन्म कैसे मुमकिन है? यह तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको दुनिया की पूरी दौलत शौहरत ताकत सब कुछ मिल जाए जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद एक ऐसी इच्छा जन्म ले जिसे आपके पास मौजूद तमाम चीजें पूरी ना कर पाए। क्या है और कैसे जन्म हुआ उस पहले कॉज का जिसने हमारे साथ इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की? कैसे ऊर्जा में बहता समय उसके कॉज को प्रभावित कर हर पल परिणामों घटनाओं को जन्म देता है? क्या है एटर्निटी, और क्या हमारे इस ब्रह्मांड इस संसार से पहले भी दूसरे ब्रह्मांडों का वजूद था, या हमारा यह ब्रह्मांड अनंत क्रिएशन की शुरुआत है?